2023 में पृथ्वी पर आएगा एक ऐसा सौर तूफान जिसे सौर सुनामी कहा जाएगा। इस सौर सुनामी से होगा अकल्पनीय नुकसान। सौर तूफान से कई सैटेलाइट को नुकसान होगा और धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर गंभीर असर होगा। बाबा वांगा की साल 2023 को लेकर की गई ये भविष्यवाणी डरावनी तो है ही, साथ ही वैज्ञानिकों के मुताबिक भी इसके सच होने की संभावना काफी ज्यादा है। नमस्कार, जर्नलिस्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कौशिक। जर्नलिस्ट गुरु के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 पर यूरोप के बुल्गारिया देश की महिला भविष्यवक्ता बाबा वांगा यानी वेंजेलिया पांडेवा गुस्तेरोवा की भविष्यवाणियां। सबसे पहले जानते हैं कौन है बाबा वांगा और क्यों पूरी दुनिया में कई रिसर्चर्स उनकी भविष्यवाणियों पर रिसर्च कर रहे हैं। वेंजेलिया यानी बाबा वांगा का जन्म साल 1911 में नॉर्थ मैसेडोनिया के शहर स्ट्रूमिका में हुआ था। साल 1923 में 12 साल की वेंजेलिया बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी एक चक्रवाती तूफान आया और वेंजेलिया को उड़ा ले गया। चक्रवात शांत होने पर काफी ढूंढने के बाद वेंजेलिया एक खेत में पड़ी मिली। वो काफी डरी हुई थी और उनकी आंखों में धूल और मिट्टी थी। आंखें खोलने की कोशिश करने पर वेंजेलिया को काफी दर्द होता और वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे वेंजेलिया की आंखों की रोशनी जाती रही और कुछ दिन में वो पूरी तरह नेत्रहीन हो गई। लेकिन इस दुर्घटना ने वेंजेलिया को पूरी तरह से बदल दिया। उनकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री जागृत हो गई और इसका मतलब था कि वो अब दुनिया भर में होने वाली भविष्य की घटनाओं को अपनी बंद आंखों से देख सकती थी। अपनी इसी चमत्कारिक शक्ति की वजह से आगे चलकर उन्हें बाबा वांगा के नाम से जाना जाने लगा। हैरान कर देने वाली बात है कि एक बेहद कम पढ़ी लिखी नेत्रहीन महिला जिसकी 80% भविष्यवाणियां सत्य होती आई हैं, की तुलना आज फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस से की जाती है। बाबा वांगा को नोस्ट्राडेमस ऑफ बाल्कन्स भी कहा जाता है क्योंकि बुल्गारिया एक बाल्कन देश रहा है। बाबा वांगा की साल 2022 पर की गई 5 भविष्यवाणियां जो हमने जर्नलिस्ट गुरु चैनल पर बताई थी वो 100% सत्य रही हैं। इसका प्रमाण आपको जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो 2022 के लिए बाबा वांगा की भविष्यवाणियां में मिलता है। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। नहीं देखा है तो अभी देखें, नहीं तो बाद के लिए सेव कर लें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए अब एक खास बात। बाबा वांगा पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स के मुताबिक उनकी 80% भविष्यवाणियां सत्य होती आई हैं। लेकिन जर्नलिस्ट गुरु चैनल पर बताई जाने वाली बाबा वांगा की 100% भविष्यवाणियां सत्य होती हैं। जानते हैं इसकी बड़ी वजह। दरअसल बाबा वांगा नेत्रहीन थी और खुद भविष्यवाणियां नहीं लिखती थी। उनकी भविष्यवाणियां उनके स्टाफ के लोग लिखते थे। ये स्टाफ उन्हें खुद बुल्गारिया की सरकार ने दिया था। 1996 में अपनी मृत्यु से पहले बाबा वांगा ने जितनी भी भविष्यवाणियां की उनका स्टाफ उसे बल्गेरियन भाषा में लिखता रहा। यही भविष्यवाणियां उस समय के मीडिया खासतौर पर न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपती रही। जब तक ये भविष्यवाणियां बल्गेरियन भाषा में छपती रही तो इनकी सटीकता साल दर साल सही रही। फिर जब ये ब्रिटिश और फ्रेंच मीडिया में छपने लगी तो इनमें मिलावट शुरू हो गई। यानी कभी भविष्यवाणियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया तो कभी नकली भविष्यवाणियां लिखी जाने लगी। और 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया का दौर आया तो नकली भविष्यवाणियों की संख्या और बढ़ गई। क्या अंग्रेजी और क्या हिंदी, भारत में ज्यादातर बड़े मीडिया संस्थान भी ब्रिटिश मीडिया में बाबा वांगा के नाम पर छप रही नकली भविष्यवाणियों को प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल जर्नलिस्ट गुरु में आप जो भी बाबा वांगा की भविष्यवाणियां देखते हैं वो सीधे तौर पर बल्गेरियन भाषा में लिखी गई भविष्यवाणियों से ली गई हैं। सत्य और तर्क की कसौटी पर खरा उतरने पर ही इन भविष्यवाणियों पर हमने वीडियो बनाए हैं।
आइए अब जान लेते हैं साल 2023 के बारे में बाबा वांगा की कुछ खास भविष्यवाणियां। नंबर एक, एक बड़ा देश मानव और जैविक हथियारों का शोध और परीक्षण शुरू करेगा। बाबा वांगा के मुताबिक साल 2023 में एक बड़े देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक इंसानों पर वायरस के इंजेक्शन देकर प्रयोग शुरू कर देंगे। जब तक बाकी दुनिया को इसका पता चलेगा तब तक हजारों लोगों की इस प्रयोग में बीमारियों से मौत हो जाएगी। नंबर दो, दुनिया के एक हिस्से में परमाणु हादसे से जहरीले बादल फैल जाएंगे जिससे दुनिया में कई स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। बाबा वांगा के मुताबिक एक बिजली संयंत्र में दुर्घटना होने के कारण ऐसा होगा। हालांकि कई रिसर्चर्स इस घटना के 2024 में घटने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा वांगा की भविष्यवाणियों पर रिसर्च करने वाले ज्यादातर बल्गेरियन रिसर्चर इस घटना के होने की संभावना साल 2023 में ही मानते हैं। जहरीले बादल एशिया के कुछ हिस्सों में फैल सकते हैं। नंबर तीन, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि बच्चे लैब में बन सकेंगे। बाबा वांगा के मुताबिक साल 2023 में वो तकनीक विकसित हो जाएगी जिसकी मदद से माता पिता न केवल लैब में अपने बच्चे ऑर्डर कर सकेंगे बल्कि उनका रूप रंग कैसा होगा, उनकी ऊंचाई कैसी होगी और शरीर का आकार कैसा होगा ये भी तय कर सकेंगे। नंबर चार, 2023 में पृथ्वी पर आएगा एक ऐसा सौर तूफान जिसे सौर सुनामी कहा जाएगा। इस सौर सुनामी से होगा अकल्पनीय नुकसान। सौर तूफान से कई सैटेलाइट को नुकसान होगा और धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर गंभीर असर होगा। हालांकि धरती पर सौर तूफान पहले भी आए हैं और साल 1859 का सौर तूफान दर्ज इतिहास में सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन बाबा वांगा के मुताबिक साल 2023 में आने वाला सौर तूफान बेहद खतरनाक होगा। ध्यान देने की बात है कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल किसी भी सौर तूफान से धरती की सुरक्षा करता है, लेकिन 2023 का सौर तूफान इतना बड़ा होगा कि इसकी वजह से कई जगहों पर इंटरनेट, रेडियो, रडार और सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे। रेडियो सिग्नल पर काम करने वाले कई डिवाइस भी अचानक फेल हो जाएंगे। साल 2023 में दुनिया भर में होने वाली घटनाओं पर बाबा वांगा की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको ये कितनी सही लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जर्नलिस्ट गुरु चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।